नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे स्पेशल ट्रेन के बारे में, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के बारे में और कोविड स्पेशल ट्रेन के बारे में, और ट्रेन के किराए के बारे में और ट्रेन टिकट बुकिंग नहीं हो रहा है उसके बारे में हम भी जानकारी देंगे। कुछ नया अपडेट निकल के आया है फेस्टिवल स्पेशल के बारे में, कोविड स्पेशल के बारे में और ट्रेन के किराया कम होने को लेकर के, और भी ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर के कुछ टाइमिंग बताया गया है कि उस पीरियड में आपका टिकट बुकिंग नहीं होगा, टिकट कैंसिल नहीं होगा और भी बहुत कुछ। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा जो कि नया लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत लोगों को टिकट बुकिंग नहीं हो रहा है तो वो लोग भी देखेंगे, जानकारी मिल जाएगी कि टिकट बुकिंग नहीं हो रही है, और भी स्पेशल ट्रेन को लेकर के जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है तो प्लीज़ वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। उससे पहले करूँगा छोटा सा रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को निशान को दबाइए ताकि इस तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। तो आपको मैं बता दूं कि वेस्टर्न रेलवे द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि यहाँ पे आपको जो ट्रेनें चल रहे हैं वर्तमान में, आप लोग जान रहे होंगे कि कोविड स्पेशल के नाम से चलाए जा रहे हैं और कुछ ट्रेनें फेस्टिवल स्पेशल के रूप में चलाए जा रहे हैं, यानी कि त्यौहार विशेष ट्रेन के रूप में चलाए जा रहे हैं। ठीक है, दो तरह के स्पेशल ट्रेन चलाई जा रहे हैं और उसका स्पेशल किराया भी वसूला जा रहा है, स्पेशल और उसमें एक जीरो लगा दिया जा रहा है, फर्स्ट डिजिट को हटा करके उसमें एक जीरो लगा दिया जा रहा है ट्रेन में, और उसको स्पेशल बताया जा रहा है और उसका स्पेशल किराया भी लिया जा रहा है, यानी कि और ट्रेन पहले के ट्रेन की अपेक्षा आपको किराया में थोड़ा बढ़ोतरी कर दी गई है कुछ रुपये। लेकिन वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट करके जानकारी दिया है कि वेस्टर्न रेलवे के जोन में जो भी ट्रेनें चलेंगे, चलने वाले ट्रेनों को अब, यानी कि आज से 15/11/2021 से अब ये सामान्य ट्रेन के रूप में अब चलने शुरुआत किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो पहले के जैसा चल रहा था, जो पहले कम किराया लगता था, ठीक है, स्पेशल के तौर पर लगने वाले किराए की अपेक्षा अब फिर से कम हो जाएगी, यानी कि अब सामान्य ट्रेन के रूप में चलने लगेगी जो पहले चलती थी, और पहले के किराए पर ये ट्रेन आ जाएगी, जिस कारण से ये अपग्रेडिंग सिस्टम पे चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अब इसका सिस्टम पे चल रहा है तो अब मान लीजिए कि ट्रेन के किराया भी इन लोग को IRCTC और PRS काउंटर पे जो ट्रेन का किराया शो करता है सभी ट्रेनों को, नंबर को अब चेंज करना होगा, जैसे कि पहले 01 के पहले के अंक हटा करके 0 लगाया गया था। ठीक है, तो अब 0 को हटा करके पहले का नंबर उन लोग को ऐड करना होगा और ट्रेन को किराया को ऐड करना होगा, अपडेट करना होगा सारा कुछ सिस्टम पे। तो जिस कारण से टिकट बुकिंग में भी आपको समस्या हो सकती है, बहुत लोगों को टिकट बुकिंग नहीं हो पा रहा है ट्रेन का। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइमिंग भी बताया गया है कि 23/11 यानी कि रात्रि 11:30 बजे से लेकर के सुबह 5:30 में आज 14/15 से लेकर के 14/15 नवंबर से लेकर के अगले 1 हफ्ते तक ये आपको टिकट बुकिंग और टिकट कैंसिलेशन जैसे समस्या आपको हो सकती है, आपको नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग बताया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि 23:30 यानी कि रात्रि 11:30 से लेकर के सुबह के 5:30 में प्रत्येक 7 दिनों तक ये टाइमिंग के लेकर के आपको 14/15 नवंबर से आपको PRS काउंटर सब तक और IRCTC पे आपको टिकट बुकिंग करने में समस्या हो सकती है, करंट बुकिंग, कैंसिलेशन, ETC इत्यादि। ठीक है, आपको ये सब काम करने में दिक्कत हो सकती है ज़्यादा, और लेकिन आपको 139 जो एक रेलवे का इंक्वायरी सिस्टम का नंबर है वो चालू रहेगा, उस पर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी पूछताछ के लिए। लेकिन आपको 23:30 रात्रि में लेकर के सुबह के 5:30 बजे तक आपको टिकट बुकिंग कैंसिलेशन जैसे समस्या आपको हो सकता है, लेकिन फिलहाल 5:30 बजे के बाद भी बहुत सारे ट्रेनों में अभी टिकट बुकिंग नहीं हो पा रही है। टिकट बुकिंग जैसे ही क्लिक कर रहे हैं लोग, उन लोगों को कुछ एरर सा शो हो रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अभी भी बहुत ट्रेनों में आपको टिकट बुकिंग करने में समस्या हो रही होगी, और बहुत लोग मेरे पास कमेंट्स और कॉल भी करके पूछ रहे हैं कि टिकट बुकिंग नहीं हो रहा है, तो यही रीज़न है कि ट्रेन को अब नया नंबर के साथ अपग्रेड किया जा रहा है और नया किराया अपडेट किया जा रहा है, और स्पेशल हटा करके पहले का जैसा, मतलब कि जो सामान्य ट्रेन चलती थी सामान्य रूप से, उस तरह के नंबर और नाम और किराया सब अपग्रेड करने में अपग्रेड हो रही है, जिस कारण से आपको टिकट बुकिंग करने में समस्या थोड़ी हो सकती है। यहाँ पे टाइमिंग भी बताया गया है, आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मेंशन रहेगा इंग्लिश और हिंदी में, तो एक बार आप जरूर रीड कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो पाए। आशा करता हूँ जानकारी साथ आपको अच्छी लगी हो, चलिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस तरह के अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। मिलेंगे नई जानकारी के साथ आपका दिन।